नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज 1। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार पुलिस ने एक बार फिर इंसानियत की सारी हदें पार कर हैवानियत का वो नंगा नाच किया है, जो शादी के मंडप पर बैठी दुल्हन को गिरफ्तार कर बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा दागदार हुआ है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना क्षेत्र में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। मुजफ्फरपुर जिला स्थित गायघाट थाने की पुलिस ने इंसानियत की सारी हदें पार कर हैवानियत का वो नंगा नाच किया है, जो शादी के मंडप पर बैठी दुल्हन को बिना महिला पुलिस गिरफ्तारी की बल्कि बर्बरता पूर्वक महिला की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार कर महिला के निजी अंगों पर राइफल के कुंडे से कुटाई कर दी। महिला की ऐसी स्थिति को देखकर जेल प्रशासन ने लेने से इनकार कर दिया। बताते चले, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना आधी आबादी को इसका हक दिलाने वाली सरकार के राज्य में महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा बेहद खतरनाक गंदा नमूना है। हद तो तब हो गई जब पुलिस महिला को गिरफ्तार करने बिना महिला पुलिस के गई और रहा सहा कसर कुंडे की पिटाई से पूरी कर दी। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में सुशासन बाबू के दावे में कितनी सच्चाई है। बिहार से जुबैर अंसारी की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज 1 के साथ।